नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ गर्भावस्था के दौरान क्या आप व्रत रख सकती है या नहीं, और रखना हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानें। गर्भावस्था के दौरान जन्माष्टमी का व्रत रखने का विचार बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन इस समय विशेष सावधानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। व्रत का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्भावस्था में महिला के शरीर में अधिक पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए व्रत रखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले व्रत रखने का निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य व्रत रखने के लिए उपयुक्त है या नहीं। डॉक्टर आपके स्थिति को समझते हुए आपको सही सलाह देंगे आप व्रत रख सकती है या नहीं। यदि आपका डॉक्टर व्रत रखने की अनुमति देते हैं तो आप फलाहार व्रत का पालन कर सकती हैं। फलाहार व्रत में आप फल, दूध, दही और सूखे मेवे जैसे पौष्टिक चीज़ें खा सकती हैं। यह खाद्य पदार्थ न केवल आपको ऊर्जा देगा बल्कि शिशु के लिए भी फायदेमंद होगा। व्रत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लें। गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आप को और शिशु दोनों को नुकसान हो सकता है। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। अगर आपको कमजोरी महसूस हो या चक्कर आए तो तुरंत कुछ खाएं और आराम करें अपने शरीर के लिए, या फिर शरीर के संकेतों को ध्यान से सुने और ज़रूरत पड़ने पर व्रत को तोड़ने से ना चूके। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भजन, कीर्तन और ध्यान कर सकती है। यह समय भक्त और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में ना आए। पूजा के दौरान आरामदायक स्थिति में बैठें और अपने शिशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अंत में गर्भावस्था के दौरान जन्माष्टमी का व्रत रखते समय संतुलन बनाए रखें, यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भक्त और स्वस्थ दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप सही सावधानियों का पालन करती हैं और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलती हैं तो आप इस पवित्र व्रत को सफलतापूर्वक रख सकती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका व्रत सफल हो और आपका शिशु स्वस्थ और खुशहाल हो, यह प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।